सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्र कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराहि लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलाक्षणे ज्ञानाक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भहरणे महिषासुरमर्दिनि मधुकैडवहन्ते च चण्डमुण्डा विनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातिनि सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणि तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकशस्त्रधारिणि कुमारी चैव कन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदये मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनि नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवदूते कराले च अनन्दा परमेश्वरे कात्यायणे च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने व्यायुधम् प्रभते नित्यम् दुर्गा नाम सुदाशुकम् नासाध्यम् भिद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायम् अयम् हसिनमेव च चतुर्भर्गम् तथा चाण्डे लभेन्मुक्तिम् च शाश्वते कुमारीम् पूजयित्वा तु धृत्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजया त्वया भक्त्या पठ नाम शताष्टकम् अस्य सिद्धे भवे देवे सर्वैः सुरवरे अपि राजानो दासताम् जान्ते राज्या शिवमवा पुण्यान् घोरोचलालक्तकुङ्कुमेण सिन्धूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्ययन्त्रम् विधिना विधिज्ञो भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावाच निशामग्रे चन्द्रे शतभिषाम् गते विलिख्य प्रभुते स्तोत्रम् सर्वे सम्पदा पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अभ्युदय के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं
वहां वहां उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होती ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मजगदम्बे की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते ही। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीदण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोतमातरो बीजम् देवन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीकदम्बापीतर्थे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्विनियम्बरमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच असि हृयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोकवचं वर्ण्यं दशरथस्य महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कौष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं शतपादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाशुभम् नवं सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानसो शत्रुमध्ये गतोरुणे विषमे दुर्गमे देव भयातः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं ऋणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये स्वभक्तास्मितारूणं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां सरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः वेदसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासुना ऐन्द्रिगसमारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारी शिखिवाहणा लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहणा ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता वित्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्द्रसमारूढा दिव्यः गोधः समाकुलाः शङ्खम् चक्रम् गदाम् शक्तिम् फलम् च मुसलायुधम् खेडकम् तामरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शारङ्गायुधमुत्तमम् एत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीतम् देवानाम् जहिताय वै नमस्ते स्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि राहि माम् देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणाम् भयवर्धिनि राज्याम् रक्षतु मामेति अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैरित्याम् खड्गधारिणि प्रतीचाम् वारुणि रक्ष्य वायव्या मृगवाहिणि उदीचाम् वातु कौमारि एषाणाम् शूलधारिणि ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्ष्य रथसा वैष्णवी तथा एवम् दश दिशो रक्ष्य चामुण्डा शववाहुना जया मे चागतः पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पाशातो दक्षिणे चापराजिता शिखामध्योदने रक्ष्य उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष्य यशस्विनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणी चक्षुर्मध्ये ज्योतिरोद्वारवासिनि कपालव्रालिका रक्ष्य कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अधरे च मृदुकला जिह्वायाम् च सरस्वती
दंता रक्षत कौमारी कंठ देशे तु चंडिका चंडिकां यत्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी च वकं रक्षे वाचं मे सर्वमंगला लीवायां भद्रकाली च पृष्ठवर्षे धनोधरी नीलग्रीवावहि कंठे नलिकां नलगोबरी कंध्यो खड्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्यो दण्डणि रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेषु निरक्ष्य कुक्षो रक्ष्य कुलेश्वरी सरौ रक्षे महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामणि रक्ष्य गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भोदना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिणी कट्यां भगवती रक्षे चानुणी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिणी गुल्फयो नारसिंहे च पादपृष्ठे दुदेजुषि पादाङ्गुलेषु शीरक्षे पादाधस्तलवासुणि नखान्द्रष्ट्राकराले च केशं चैवोर्ध्वकेशुणि हरोमगोवेषु कोवेरि त्वचं वागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यासि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं जामुगणेश्वरि पदमावदे पदमकोशे कफे चूडामणि तथा ज्वालामुखेण घज्ज्वालामभेद्याधर्मसन्ध्यश शुक्रम् ब्रह्माणि मे रक्षे छायाम् क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारम् महाबुद्धिम् रक्षे मे धर्मधारिणीम् प्राणापाणौ तथा व्याणम् उदाणम् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणम् कल्याणशोभना हरणे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिणीम् सत्त्वमृयस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुर्मे रक्षदण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुमता रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा रायद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वभासिता रक्षाहीणं तु यस्तानं वर्जितं गमजेण तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयं दीपावनाशिनी फलमेकं न गच्छतो यदेच्छ शुभमात्मनः कवचेणामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मधुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रिलोके दुर्भेत्पूज्यः कवचेणामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः प्रणेत्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रिलोकेषु पराजितः जीवे दशरं साग्रं तप मृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्वशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराः किञ्चरश्चैव जलयाश्चोपदेशिकाः सजा कुलजा माला डाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्ष च राघोरा डाकिण्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनालस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न देववैराग्यश्रेयो वृद्धिकरं वरम् यस्ता वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतेञ्जण्डिम् कृत्वा तो कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् धत्ते शशिलमयकारणम् तावत्तिष्ठति मे दिल्ल्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानम् यस्सुरेणपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम् शिवेन सह रोदते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अणश्च छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये
सप्तशते पाठांगत्वेन जपेन योगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकेणवभिद्रावि विधाते वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तभीषवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भस्येवन शुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमर्दनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि वर्धिताङ्गे युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि नतिभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चण्डिके सततं ज्ञात्वा अर्जयन्ति भक्तितः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि परमं सुखम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि दुशदानाशं विदेहि परमोच्चकेहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुरशिरो रत्ननिधिष्टचरण्यम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अजण्डदेतदर्भणे चण्डिके प्रणदाय मे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कृष्णेण संसुदे देवे शश्वभक्त्या सुदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि हिमाचलसुधानाथ संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि इन्द्राणि परिसद्भावपूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी प्रचण्डतो दण्डदेतदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी भक्तजनो दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अग्ने मनोरमां देहि मणोवृत्तानुसारिणी कारणीं दुर्गसंसारसागरस्य गुरोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते सङ्ख्या परमाप्नोति संवदा ॐ अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनष्टप् छन्दः श्रीमहासरस्वते देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्वियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमो वाप्नोति सततम् जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादेणे वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमताम् देवे स्वतमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोणौषधम् तत्र न किञ्चित् विविद्यते
विना जाप्येण सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रेण विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रम् भीषण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समाप्तेन जपूर्णस्य ताम् यथा वर्णीयम् कृणाम् स्वभिक्षेमो वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नाटभेषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायेण नित्यम् जवति संस्फुटम् सा सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव प्रदस्तस्य भयम् क्वापि ह जायते नावभृत्यो वशाते मृतो मोक्षमवाप्न्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुवेतनाकृमानो विनश्यते तदा ज्ञात्वैव सम्पन्नम् विदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि अल्किञ्जुर्दर्शते ललनायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् क्षणे सूर्यप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि सुखः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्योग्यप्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणिः परो मोक्षः श्रूयते किञ्जनेः श्रीमहिषासुरमर्दने Thank you.
जगतो जननी कृपया जीव भाजित कानु मिला
पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि निशामया असोयमिति मामत्व समस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि नानामि विसर्जनम् भोजां चैव न जानामि दम्यतां परमेश्वरि अन्धहीनं दयाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यथोचितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बे ज्योतिरे यागतिं समवाप्नोतिः नतां ब्रह्मा जहातुरा सापराधोऽस्मे शरणं प्रातस्वां जगदम्बिके इदानीं मनुकं व्योहं यदेशते तथा अज्ञानं विस्मृत्य क्षम्यतां देवी प्रदीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगमातः सच्चिदानन्द विग्रहे विधानाचाभिमां श्रेष्ठः प्रदीद परमेश्वरि भवतु मे देवि सच्या ज्योतमलि माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे धर्म की। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से देवी की कृपा से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती की परम पवित्र वेला में इस जगजन ने जगत माता की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय 33 करोड़ देवी देवता जो हैं अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं और इस परम पवित्र वेला में इस प्रकार से भगवती की आराधना करने का, माँ की स्तुति करने का, माँ की अर्चना पूजा करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हो, जिन भक्तों को इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त होते हैं वास्तव में
वे ही भक्त जी बड़भागी हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। जब देव कृपा होती है तो मनुष्य को जो है सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है। ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं, हम सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलें, माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जब देवी की कृपा, देव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। देव कृपा होती है, जगजन्य जगत माता की कृपा होती है, तो वह जीवन में ऐसा सत्पुरुष भेज देती है जिससे उसका जीवन ही बदल जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। सत्संग का एक पल भी जो है मनुष्य का जीवन बदल देता है। इस संदर्भ में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, जो धर्म की गति जो है जो वास्तव में बड़ी ही गहन है। गहना कर्मणो गति, जे कर्म की गति जो है जे बड़ी गहन है। कौन सा कर्म करनी है, कौन सा अकरनी है, इसका विचार करना जो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे कर्म होते लगते तो गलत हैं, परंतु वे बिल्कुल ठीक होते हैं, उचित होते हैं। आप गंगा किनारे बैठे हैं, माँ गंगा का ध्यान कर रहे हैं, हाथ में माला लियो हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवती का स्मरण कर रहे हैं, ये सत्कर्म है, इससे पुण्य की वृद्धि होती है। वही आपके सामने एक व्यक्ति डूब रहा है तो वहां पर आप यदि उठ करके उसकी सहायता नहीं करते हैं तो वहीं पर वो पाप भी है। देख रहे हैं सामने व्यक्ति डूब रहे हैं, आपकी सहायता से तो उसका जीवन बच सकता है, आप उसको बचा सकते हैं, परंतु आप ध्यान में जो है अपनी माला लेकर, मैं तो माला नहीं छोड़ूंगा, तो कब क्या करना है। तो इसलिए जो कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणों गति है, इस प्रकार से क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिस सब उसकी जब कृपा होती है वही अंदर से ऐसे विचार देती है, क्योंकि हृदयेश्वरी सबके हृदय में विराजमान है, जो उसके शरणागत होकर के उसने प्रार्थना करते कि माँ हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हम तेरे शरण में हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्योंकि करने का आप ही हैं, हम तो आपके सेवक हैं। ऐसे सेवादार बन करके उसकी शरणक धो करके जब साधु प्रार्थना करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं माँ को याद करके कि कहीं मुझसे गलती हो जाए तो माँ मुझे संभालना, कहीं गलती होने में नहीं देना, कहीं ऐसा न हो कि मैं कुमार पर चल पड़ा कि जब शरणंग धोकर के प्रतिदिन प्रातः कलाप जब माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो माँ बिल्कुल उसकी बुद्धि ठीक रखती है, उस बुद्धि में कभी विकृति आने नहीं देती। तो क्या उचित क्या अनुचित है, कहा है धर्मो न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान जो है दूसरा कोई धर्म जो है वह नहीं है, जर्माइन में कहा गया है। और सर्वोपरि जो है जे धर्म है सत्य, फिर जो ही रामायण में ही धर्म के बारे में ही ये ऐसी बात भी कही गई है कि जिसके लिए व्यक्ति जो विचार करने के लिए जो है उसे विचार करना पड़ता है कि वहां पर क्या कहे, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं, परहित जिसमें दूसरे का हित हो। और वास्तव में जब व्यक्ति जो धर्म संकट में आ जाए, क्या करूं का ना करूं, करना चाहिए नहीं करना, जो उचित है अनुचित है, उसके लिए जो है जी जो है जो युक्ति जो बतलाई गई है रामायण में जो है परहित, जी जो काम कर रहे हैं इसमें जो है ऐसा तो नहीं है कि इसमें मेरा अहंकार पनप रहा है, दूसरे का हित है कि नहीं है, वहां पर हम निर्णय कर सकते हैं।
इससे दूसरे के हित हैं तो जो है उस काम को कर देना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस धर्म में आपको मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। कहते हैं कि एक बार एक संत महाराज जी जो शक्ति उपासक थे, प्रतिदिन माँ की साधना कर बहुत सारे शिष्य उसके आश्रम में रहते थे। प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, वह सरोवर पर स्नान करने के लिए गए और स्नान किया, सामने देखा दूसरी ओर जो है एक व्यक्ति जो हरिष्पुरुष जो है उसने सरोवर में जाल डाला और मछलियां पकड़ रहा था। जे देखकर उस संत के मन में आया कि दो रोटी के लिए कितना बड़ा पाप है, कितनी जीव हिंसा है। प्रातः काल जो है जे आकर के ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जीव हत्या कर रहा है, ये महापाप है और इस कर्म से जो है ये तो नरक में जाएगा। ऐसा संत महाराज के मन में विचार आया और विचार तभी आते हैं जब भगवती किसी का कोई भला करना चाहती है। ऐसा विचार आया तो संत महाराज उसके पास चल गए, भाई क्या करते हो, ये जीव हिंसा है, प्रत्येक जीव जीना चाहता है, कीट से लेकर ब्रह्म प्रजन जो है हर जब चलते हो, मकोड़ी भी जो छोटी जी मकोड़ी वह भी भागती है कहीं मैं किसी के पांव के नीचे ना जाऊं। जब व्यक्ति को आता है तो जो मकोड़ी भी वो वाइब्रेशन को जो है वह जान जाती है पृथ्वी की जो है कि कोई आ रहा है। सांप होता वह भी रास्ता छोड़ देता है कि मैं कहीं सुरक्षित स्थान पर चला जाऊं। सांप ऐसे काटता नहीं, पांव पर गिरेगा पड़ेगा तो ही जो काटेगा, ऐसे नहीं काटेगा। तो हर जीव जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता और आप इनको इकट्ठा करके ऐसे मार रहे हो। आप भी तो जीना चाहते हो, अपना जीवन चलाने के लिए जो है इतने जीवों की जीव जो हिंसा कर रहे हो, महापाप है, नरक में जाओगे। कहते कि सामने संत जो है जब उससे प्रकार से उससे कहने लगे तो आमने सामने बात थी। उस व्यक्ति ने जो संत की ओर देखा तो संत का दर्शन हुआ। क्या कोई तपस्वी व्यक्ति जब दर्शन होता है उसे प्रणाम करने से उसका जब आशीर्वाद मिल जाता है तो मनुष्य के पाप जो है वे कटते हैं, पाप नष्ट होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, बुद्धि पवित्र होती है। तो उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि महाराज तो बात तो ठीक कह रहे हैं, इतने जीवों को मार रहा हूं, जब कहीं मुझे कोई मारे तो मुझे भी तकलीफ होगी। तो जो है तब उसने कहा महाराज मेरा भी विवाह भी नहीं हुआ है और जे दो रोटी के लिए जे मैं पाप कर्म करता हूं, आज ये आपने जो देखा जे मैं पाप कर रहा हूं, जेकर इतना ही नहीं मैंने अनेक हिंसा की है, अनेक पाप किए हैं जीवन में, यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, अपना चेला बना लें, मुझे भोजन दे दिए दे दें तो मैं ये पाप छोड़ देता हूं, ये कर्म करना छोड़ देता हूं। संत महाराज ने विचार किया, चेला तो बाद की बात है परंतु पहले इसका कर्म तो छूटे, ये पाप कर्म जो कर रहा है, आश्रम रहेगा सेवा करेगा तो आश्रम भोजन तो मिल ही जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, तो चल आश्रम में सेवा करना, भोजन तुझे मिल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आश्रम में पहुंचा, वहां देखा अनेक शिष्य वहां पर रहते हैं महाराज जी के, सभी कोई जब करता कोई पाठ करता कोई आश्रम की सेवा कर रहे हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, इस प्रकार से ऐसा माहौल है वहां पर जो है। वहां पहुंचते ही बड़ा आत्म सुख मिला, आश्रम की सेवा मिली, प्रतिदिन वहां सत्संग होते हैं, महाराज जी प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं शिष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित क्या अनुचित है, बस सद्ज्ञान देते हैं। वहां सेवा करने का, मां भगवती का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी शिष्य जो हैं वहां भगवती की प्रतिमा है, सब प्रातः उठते स्नान करते वहां जाकर के पहले मां को प्रणाम करते। माता पिता जब जो हैं प्रणाम करते हैं
दिवाली मंदिर में जाकर के उसके साथ जब छोटा बच्चा होता है तो माता पिता को देख करके वह भी प्रणाम करता है, उसको कोई कहता नहीं, परंतु माता पिता प्रणाम कर रहे हैं वह बच्चा भी उसमें वो संस्कार अपने आप आ जाते हैं, वह भी सिर झुकाता है माता पिता से भी अच्छा, माता बिल्कुल नीचे लगाता है। इसी तरह से वह व्यक्ति जो था आश्रम पहुंचा, वहां शिष्य जो है प्रातः काल जो स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सभी, फिर जो है माँ के पास जाकर के प्रणाम करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, संत महाराज जी गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जे देख करके अब उसको भी ये आदत पड़ेगी मुझे भी स्नान करना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, जैसे वो प्रणाम करते हैं उसको ये आदत पड़ गई, प्रतिदिन माँ को प्रणाम करना, संत महाराज को प्रणाम करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना और सेवा करना, भगवान का स्मरण करना, भगवती का स्मरण करना, ये पूजा करना, और वहां पर ऐसे माहौल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके पाप नष्ट होने लगे, विचार बदलने लगे, बुद्धि पवित्र होने लगी। ऐसी सोच है कुछ समय के उपरांत जो है वह महात्मा जी के पास जाकर कहने लगा, बाबा जी मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझे भी कोई मंत्र दीजिए, मैं भी साधना करूं, बड़े पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, मैं भी अपना कल्याण कर सकूं, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझे मंत्र दीजिए, मुझे भी दीक्षा दीजिए, आप कितने शिष्य हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसे कृपा हुई और आप मेरा कल्याण कीजिए। संत महाराज ने कहा कि बहुत पाप किए हैं, बहुत दुख दिए हैं, तो भगवान के लिए दुख सहना, इससे भी पाप नष्ट होते हैं, इसलिए अभी तो तू दीक्षा के काबिल नहीं है, मैं आपको मंत्र दूं, दीक्षा दूं, इसके काबिल अभी तू नहीं है, पहले तीर्थ कर जा, तीर्थ कर, जब तू योग्य हो जाएगा दीक्षा के तो तुझे दीक्षा मिलेगी, उससे पहले नहीं। तो उसने कहा, महाराज मुझे कैसे पता चलेगा मैं दीक्षा के काबिल हो चुका हूं, दीक्षा के योग्य हो चुका हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो कहते कि महाराज ने आश्रम से एक वहां से डंडा काट के दिया, उसके हाथ में दिया, देख ये डंडा जो है ये हरा है, और जिस दिन बेटा यात्रा करते करते या तीर्थ करते करते ये डंडा जो है सूख करके पीला हो जाएगा, उस दिन समझ लेना तू योग्य हो गया, तेरे पाप नष्ट हो गए, तू दीक्षा के योग्य हो गया है, तो मेरे पास आ जाना। बोलो सच्चे द्रवा पार की जय। हाथ में डंडा दे दिया और उसे कहा, जाओ तीर्थ करो, गंगा स्नान करो, अन्य तीर्थ करो। अब जो है वहां से वह चल पड़ा, जीवन बड़े पाप किए हैं, कब कटेंगी, और गुरु जी कह रहे हैं आप योग्य नहीं हैं, परंतु मुझे अपना कल्याण करना है, कैसे भी होगा, डंडा हाथ में लिए हुए एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव जो पार कर गया और रात्रि हो गई, चार नगर पार किए, रात्रि हो गई, पैदल रास्ता था, कोई साधन नहीं थे, रात हुई तो एक देवालय दिखाई दिया, मंदिर था, वहां उसके चबूतरे में जाकर के विश्राम करने सो गया। रात्रि को जब वहां पर कुछ आताई आतंकारी जो है आतंकवादी वहां पर आए और आकर के वहां विचार करने लगे, सुरापान करने लगे और बैठ कर परामर्श किया कि इस नगर को जो है रात्रि को आग लगानी है, जला देना है, निर्दोष लोग हैं, आप देखते हैं आतंकवादी क्या करते हैं, किसी का दोष होता नहीं, मार देते हैं। अब जो है विचार कर रहे हैं वहां बैठ करके, इस नगर को आग लगानी है और कौन कौन व्यक्ति जो है किस दिशा की ओर जाएगा, पूर्व की दिशा और इतने लोग जाएंगे, पश्चिम की ओर इतने लोग जाएंगे, उत्तर की दिशा में इतने लोग जाएंगे और इतने लोग दक्षिण की ओर जाएंगे, चारों ओर से नगर को घेर करके जो है इतने बजे टाइम निश्चित कर दिया, ठीक जो है रात्रि को जो है ये एक बजे जो है वहां पर आग लगानी निश्चित हुआ। और वह सब परामर्श कर रहे हैं, वह लेटा हुआ जो सबको सुन रहा था, वह व्यक्ति जो है सुन रहा था, विचार करने लगा कि ये नगर जो है
इसका तो कोई दोष नहीं ना, लोगों का सोए हुए हैं। और ये लोग तो दुराचारी हैं, क्योंकि खुद भी बुरे कर्म किए हुए हैं। इतनी जीव हिंसा करेंगे, संतों के साथ रहा है तो ज्ञान तो हो ही जाता है। जीव हत्या होगी, स्त्री जो है सोई हुई, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह सब के सब जल करके मर जाएंगे। पशु जो है पशुशाला में बंधे हुए मर जाएंगे। विचार करने लगा कि जीवन में बड़े पाप किए हैं, अनेक हिंसा की है, जो इतने लोगों को जला करके मार देंगे, क्यों ना थोड़ी सी हिंसा और कर लो। गुरु ने कहा था पुण्य करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, परंतु यहां पर तो मुझे तो पाप का जिस सारा माहौल ऐसा बन गया, अब जहां पर इतने पाप मैंने किए हैं, थोड़ा सा पाप और कर लेता हूं, उसके बाद करूंगा गंगा स्नान। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते गुरुदेव ने जो लठ दिया था, जो लाठी दी थी, उसी को उठाया और उन पर प्रहार कर दिया। एक दो चार जितने भी थे सबके सब ढेर कर दिए। फिर लेट गया, विचार करने लगा, गुरु ने तो कहा था पुण्य करने के लिए, और जहां पर पाप हो गया पता नहीं कितने मरे हैं, और जे लठ जो है, जो लाठी जो मुझे दी है, जो कब जो है सूखेगी, पीली पड़ेगी। चलो प्रातःकाल हुआ, वह डंडा उठाया, देखा तो वह पीला पड़ चुका था, सूख चुका था। विचार करने लगा कि गुरुदेव ने कहा कि पुण्य करने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ करने से जो लठ जो पीला पड़ जाएगा, जहां तो जो लठ जो था जो पाप करने से जो है पीला पड़ गया, ये तो उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। कहीं गुरु जी से कहीं गलती तो नहीं हो गई। कहते हैं मैं लठ लेकर के फिर वापस लौटा गुरुदेव के पास, महाराज ये तो विपरीत हो गया, महाराज अभी तो चार नगर ही पार किए हैं, ये डंडा सूख गया, इस प्रकार से ऐसे पाप हुआ मेरे से। सारी घटना बतलाई रात्रि को, ऐसा ऐसा हुआ, और वह कितने लोग थे तब मारे गए मेरे हाथों से। संत महाराज ने कहा कि बेटा जिसे तो पाप कह रहा है वह वास्तव में पाप नहीं है, वह पुण्य है। जो मैं आपको कह रहा था कि ये कर्म की गति बड़ी गहन है, वह पाप नहीं था, वह पुण्य था। वह कुछ आतंकी जो थे, जो पूरे नगर को जला करके मारना चाहते थे, आपने उस पूरे नगर की रक्षा कर दी। कितने स्त्री, कितने बच्चे, कितने पुरुष, कितने जो है वह पशु जो थे उस नगर में बंधे हुए थे, बस सब के सब आपने बचा दिए। जे पाप नहीं, जे आपसे पुण्य हुआ, रोसी के फल हुआ, आपका डंडा जे सूख गया, आपके पाप जहीं पे नष्ट हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप तो दीक्षा के योग्य। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए जब भी व्यक्ति जो है धर्म संकट में आ जाए तो उसमें जे देखे कि इसमें परहित है कि नहीं। क्योंकि जो रामायण में जो है इस प्रकार से जी कहा गया है कि सत्य परहित के लिए है, और स्वयं यही जो है कहीं हम पालने के लिए तो नहीं है जो ऐसा जो आप कर रहे हो। इसलिए जो है वेद शास्त्र में कहा है परहित के समान जो है कोई धर्म नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जे रामायण में कहा गया है। और वही रामायण में कहा है धर्म ना दूसर सत्य समान, सत्य समान कोई धर्म नहीं। और वहां पर जो निर्णय करने के लिए जो निर्णय भी साथ साथ दिया है कि उसमें परहित है कि नहीं है, इसलिए जब भी कोई कर्म करते हो उसमें विचार कर लें कि इसमें दूसरों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरों को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं दूसरों को दुख तो नहीं मिल रहा है, कोई कष्ट तो मिल रहा है। तो यदि कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, दूसरों का बुरा हो रहा है, अपना हित हो रहा है, तो उसे समझ लें कि फिर आपका हित नहीं है। इसलिए जो सारा ज्ञान, ये सारी मति, इस प्रकार की मति जो है इसकी कृपा से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवती प्रसन्न होती है, मां प्रसन्न होती है, उसके जीवन जो है सत्संग कोई सत्पुरुष भेज देती है। जैसे व्यक्ति का मार्गदर्शन हुआ
अब वही जो है संत महाराज के पास आए, संत महाराज प्रसन्न हो गए कि तेरे पाप नष्ट हुए हैं, तू योग्य हो गया दीक्षा के। तो उन्होंने मंत्र दिया, साधना कर करके वही व्यक्ति जहाँ इतनी हिंसा करता था, आज वही जो है माँ भगवती की साधना कर करके बहे पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें इसी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन्य जगत माता की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की उपासना, माँ की सेवा, माँ का सुमरण ये अवश्य करना चाहिए। इसका स्मरण आप किसका स्मरण करेंगे, माँ का ध्यान करेंगे, माँ की सेवा करेंगे, जय भगवती आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान देगी। और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जब सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होगा तो आप कभी भी, आपका कभी भी कहीं भी अमंगल हो ही नहीं सकता। आपके जीवन सदा सर्वदा मंगल मंगल होगा और आपकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहेगी और जीवन में सब सुखों का भोग करते हुए निरोगी जीवन जीते हुए आपका परलोक भी कल्याणमय हो जाएगा। माँ की साधना से, माँ की सेवा से, माँ का स्मरण स्मरण करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुगत होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी से माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। ये आरती की वेला है जहाँ भक्त अपने मन के भाव माँ के सामने रखते हैं। आपने स्तोत्र द्वारा भगवती की स्तुति की ही, भजनों द्वारा माँ के सामने अपने भाव रखेंगे और इसी प्रकार से प्रवचनों द्वारा माँ के जो गुणगान किया गया है आपने इसका श्रवण किया है। तो जी भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को जान के लिए जो भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन पिंडी के रूप विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। महाकाली ये शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णव जो हैं, ये धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं और माता महासरस्वती विद्याभूति का वरदान देती हैं। तीनों शक्तियां एक साथ विराजमान हैं, एक साथ इनका आशीर्वाद मिलता है और जिन भक्तों को इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाता है उनका कभी कहीं भी अमंगल नहीं होता। इसलिए आप सभी भक्ति भाव से संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना और अपने मन के भाव जो माँ के सामने रखते हुए माँ से प्रार्थना करना। ये तीनों माता प्रसन्न होकर के आपको वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें और आपकी मनोबल सिद्ध कामना जो है वह पूर्ण करें। श्री सुरेश जी जय करा मेरी शरण मज सच्चे दरबार की जय। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी, सुमिरन करके असा उम्र बितानी। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी। हाथ खोल कर काले नहीं, काले के बाद माँ के दरबार पर पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। जब माँ के दरबार की हाजिरी है, हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्त में हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। खुशी गलियां खुशी गलियां
ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਅਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਲੀਆਂ ਹੈ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਾਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਾਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਸਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਸਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਸਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਸਤੀ ਏ ਬਿਨਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਰਸਮ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਰਸਮ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ 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 ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਏ।
कृपा असतोड़ निभाए 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 करा मेरी शरण वाली मैया जी दा सच्चे दरबार की जय। कभी वचन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जय करा शरण वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं तेरी कमली हो गई मैं तेनु तरस जरा नहीं आया मैं तेरी कमली हो गई तेनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गई तेनु तरस जरा नहीं आया ओ तेरी कमली हो गई मैं तेनु तरस जरा नहीं आया तेरे जोगी रह गईया तेरे जोगी रह गईया तैनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया मैं तैनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया तैनु तरस जरा नहीं आया मैं तेरी कमली हो गईया तेनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया तेनु तरस जरा नहीं आया मैं तेरे जोगी रह गईया तेरे जोगी रह गईया मैं तेरे जोगी रह गईया तेरे जोगी रह गईया तेनु तरस जरा जरा नहीं आया कमली हो गईया तेनु दर्द जरा नहीं आया लपया बथेरा तेनु जग विच आके बथेरा तेनु जग विच आके बथेरा तेनु जग विच आके संता दी कई गल दिल च बसा के हो संता दी कई गल दिल च बसा ओ तेरे दर ते मैं बह गईया तेनु तरस जरा नहीं आया तेरे दर ते मैं बह गईया तेनु तरस जरा नहीं आया मैं तेरी कमली हो गईया तेनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया तेनु तरस जरा नहीं आया तेरे जोगी रह गईया तेरे जोगी रह गईया तेनु तरस जरा नहीं आया कमली हो गईया तेनु तरस जरा नहीं आया तेरे कमली हो गईया तेनु तरस जरा नहीं आया माफ करी मैया चले किते मैं कसूर दे माफ करी मैया चले किते मैं कसूर वे किते मैं कसूर दे मार दे न ताने लोकी आनी तू जरूर वे मार दे
ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
कमली हो गया कैंसर की रानी आया हो गया कैंसर की रानी आया मैं तेरे चौकी रह गया चौकी रह गया मैं तेरे चौकी रह गया मैं तेरे चौकी रह गया तैनू तरस जरा तेरी कमली हो गईया मैं तेनू तरस जरा निया मैं तेरी कमली हो गईया मैं तेनू तरस जरा निया तेनू तरस जरा निया मैं तेनू तरस जरा निया तरस जरा नहीं आया तेन तरस जरा नहीं आया तेन तरस जरा नहीं आया जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है शक्ति रूप धरायो है माँ शक्ति रूप धरायो है सिंह सिंहासन बैठी रे मैया सिंह सिंहासन बैठी रे मैया शक्ति रूप धरायो रे शक्ति रूप धरायो शंख ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंख ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगायो जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 शरण तुम्हारी आयो है 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 कमल सिंहासन में फिर मैया कमल सिंहासन में फिर मैया ब्रह्मा रूप धरायो है माँ ब्रह्मा रूप धरायो है कमल सिंहासन बैठी मैया कमल सिंहासन बैठी मैया ब्रह्मा रूप धरायो है ब्रह्मा रूप धरायो है चार वेद मुख चार विराज वेदों ने यश गायो मुख चार विराज वेदों ने यश गायो है चार वेद मुख चार विराज वेदों ने यश गायो है चार वेद मुख चार विराज वेदों ने यश गायो है जय 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 जग जनन जय 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 जग जनन जय 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 जग जननी
जय 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 जननी चरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है गरुण सिंहासन बैठिर मैया गरुण सिंहासन बैठिर मैया विष्णु रूप धरायो है मां विष्णु रूप धरायो है गरुण सिंहासन बैठिर मैया गरुण सिंहासन बैठिर मैया विष्णु रूप धरायो है मां विष्णु रूप धरायो है पायो शंख चक्र गल पद्म विराजे दयंती गल पायो है शंख चक्र गल पद्म विराजे दयंती गल पायो शंख चक्र गल पद्म विराजे दयंती गल पायो है जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो बैल सिंहासन बैठिर मैया बैल सिंहासन बैठिर मैया शंकर रूप धरायो है मां शंकर रूप धरायो है बैल सिंहासन बैठिर मैया बैल सिंहासन बैठिर मैया शंकर रूप धरायो है मां शंकर रूप धरायो है जटा जूत सर गंग विराजे मुंड माल गल पायो है जटा जूत सर गंग विराजे मुंड माल गल पायो जटा जूत सर गंग विराजे मुंड माल गल पायो है जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय जय जग जननी शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है तुम्हारी आयो है मां शरण तुम्हारी आयो है जय कर शरण बोल सच्चे दरबार की जय आरोण सिद्धस भ्रमत गगन दक्षिण चाक सूत्र वामे हस्त दिभ्यां कणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्य शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडंत रूपा कर कमल धरा भारती सुप्रसन्न सचिया झोता वाली माता तेरी सदा। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवाद 2076 उत्तरायण उत्तरगोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 27 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज षष्ठी तिथि ही शुक्रवार तदनुसार 10 मई सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां विभूति की असीम अनुकंपा से मां विभूति के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। माँ वैष्णो देवी की इसी तरह से आप पर कृपा बढ़ी रही और माँ वैष्णवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में इसी प्रकार से आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करे, आपकी दीर्घायु करे, आपके कारोबार में वृद्धि करे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भवने भव श्रीमान जसस्वी भव प्रज्ञा भवने भव भूर्भुवः करणे धाने कनिष्को भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भधारिणि व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पद्मनाभ सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्रेणाम देशो शरीर वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानम हियते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आप भक्तों का मंगल करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए, अपना ध्यान सभी माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से आप माँ की आरती कीजिए। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगलकरणी मैया जय आनंदकरणी मैया जी को निज दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव I'm
Yeah.
देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः कुलदुर्गे माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से वाला जय माता दी, जमल वाला जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, जय माता दी, परे भंडारे, जय माता दी, जय करे, जय माता दी, सुखमजारे, जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, 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 जय जगदम्बे, द्रवार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विजो देहि, यशो देहि द्विजो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। आरती क्रम देखे सुने और मनी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती गण लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
प्रथमें गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गणेश तृतीय सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया कृपा जो सतगुरी जो चरना दा ध्यान जय मां तुमेव विद्या जैनं तुमेव तुमेव सर्वं महा
देव देव शांताकारं जगजयनं परमलाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं पद्मपंकजं रामनारायणं सनातनं वासुदेवं श्रीधरं माधवं कृष्णकावल्लभं लक्ष्मीनायकं श्रीरामचंद्रं भजे हरे मुरारे भजे हरे गोविंद ज्ञानं पदे शरणं पदे विद्या पदे भगवान् नमोस्तुते सच्या ज्योता वाली माता तेरी सलाई पंचफूला रानी माता तेरी सलाई सर्वदा भला करन वाली माता तेरी सलाई सारे संसार विश्रांति देन वाली माता तेरी सलाई कुलाच का माफ करन वाली माता तेरी सलाई नौकरा भी ठाव तेरी सलाई बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का वाणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्र ही मंत्र आगे मंत्र ही मंत्र ओम दुर्गा देवी नमः जनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जगारा शरण वाली दा वो जाने जवार की जय जो से ओम जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्य नमः तस्य नमः